हरिश्चंद्र ने जब योग लिया तो उसकी माँ ने कही थी, बेटा तीन चीज याद रखना। बोला माता कौन कौन सी? बोला एक तो खाना, बहुत बढ़िया खाना। बोला माँ योग दिलाती है, तेरे कहने से मैं सब घर बार राजपाट त्याग के जा रहा हूँ, आप मुझे अच्छा खाने के लिए कह रही हो। और बेटा किले के अंदर रहना। बोला जंगलों की खाक छाननी पड़ेगी। अब मुझे किले की बात, किले तो छुटवा दिया आपने, किले कहाँ से होंगे। और कहने लगे कि बहुत ही अच्छे बिस्तर पर सोना। बोला कमाल कर दिया अम्मा, एक तरफ तो आप मुझे जो है इतना त्यागी बना के घर से महलों से निकाल रही हो, और दूसरी तरफ आप कहती हो कि ये काम करना, ये जंगलों में कहाँ से होंगे। बेटा मेरा कहने का मतलब समझो, मैंने क्या कहा, मीठा भोजन और अच्छा भोजन खाने का मतलब है कि जब तुझे बहुत भूख लगे तब खाना, सूखी रोटियां भी तेरे लिए 36 प्रकार का भोजन हो जाएगा। और अच्छी सेज पर सोने के लिए जो बात बताई, तुझे बहुत नींद आने लगे ना, जब सोना पत्थर पे भी सोएगा तुझे सेज जैसा सुख मिलेगा। और किले मेरे नाम आता, किला है गुरु का वचन, कि गुरु के वचन से बाहर मत जाना, वो किला है तेरे लिए। अगर गुरु के वचन से बाहर चला गया तो खतरे ही खतरे हैं। इसलिए तू जिस रास्ते पे चलने जा रहा है उसमें इन तीन चीज़ों को माँ का उपदेश मान के याद रखना, तुझे कभी किसी प्रकार की परेशानी नहीं होगी।